नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात करेंगे रामगढ़ की। रामगढ़ में अलीमुद्दीन हत्या मामले में 11 दोषियों पर फैसला सुनाया जाएगा। इसी मामले को लेकर कोर्ट परीक्षा परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल के जवानों की तैनाती भी कोर्ट परिसर के आसपास की गई है। घटना 29 जून 2017 की है, जब कथित गौ रक्षकों ने अलीमुद्दीन की हत्या कर दी थी। ये आरोप लगा था। 8 महीने 17 दिन में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी। आज एडीजे 2 ओम प्रकाश की अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी। इस मामले में 16 मार्च 2017 को 11 लोग दोषी ठहराए गए थे। घटना वाले दिन वैन में प्रतिबंधित मांस ले जाने की अफवाह के बाद भीड़ ने मोहम्मद अलीमुद्दीन की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद रामगढ़ में जमकर हंगामा हुआ। गाड़ियां जलाई गई, शहर में धारा 44 लगाई गई। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की गई, लेकिन तभी पता चला कि आरोपी और अलीमुद्दीन की पहले से एक दूसरे को जानते थे और आपसी रंजिश का मामला भी सामने आया। हालांकि पुलिस ने भीड़ से बचाकर अलीमुद्दीन को अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो 8 महीने 17 दिन में इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी हुई और आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। 11 दोषियों को फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें कि अलीमुद्दीन की पत्नी मरियम खातून ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिनमें से 11 लोगों पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज ये फैसला सुनाया जाएगा, जिसको लेकर कोर्ट परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। 11 लोगों पर हत्या का आरोप था। 29 जून 2017 को अलीमुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि इन लोगों ने अलीमुद्दीन की गाड़ी में प्रतिबंधित मांस होने की बात कहकर पहले गाड़ी में आग लगाई और उसके बाद अलीमुद्दीन की भी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन किसी तरह से पुलिस ने अलीमुद्दीन को वहां से बचा लिया, लेकिन अस्पताल में अलीमुद्दीन की मौत हो गई थी। 29 जून 2017 को ये पूरा वाकया हुआ था, ये पूरा मामला सामने आया था और उसके बाद से ही इस पूरे मामले में लगातार ट्रायल चल रहा था। 29 जून 2017 यानी कि अब तक 8 महीने 17 दिन के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई पूरी हुई है। कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है और अब जाकर इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। 11 आरोपियों के खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा। और जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कामरान, आज इस मामले में फैसला आना है, 11 लोग आरोपी हैं, क्या जानकारी है, क्योंकि सुरक्षा भी कड़ी देखी जा रही है तस्वीरों में। रामगढ़ में बहुचर्चित मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर बस अभी से कुछ ही देर के बाद रामगढ़ व्यवहार न्यायालय फैसला सुनाएगा। हालांकि 11 जो आरोपी हैं उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ व्यवहार न्यायालय की ठीक बाहर, जहां पर एक तरीके से हुजूम लग गया है लोगों का, क्योंकि ये बहुत चर्चित मामला रहा है और सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर लाए जा चुके हैं कि अगर किसी भी तरह से जो फैसला आता है, जो सजा सुनाई जाती है, उसके बाद किसी भी तरह से कोई चूक ना हो यहाँ पर कोई, क्योंकि जैसा ये अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जब फैसला आएगा तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि विरोध भी देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर तमाम सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है, किसी भी तरह से कोई विरोध देखने को नहीं मिलेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी झूलन जी भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या कुछ है अपडेट और कितने बजे तक फैसला आने के चांसेस हैं? जी, जो सभी आरोपियों को लाया गया है कोर्ट परिसर में और अभी 2 से 2:30 बजे के बीच में इसका फैसला आएगा। इंतजार करना पड़ेगा, जैसा कि अंदर से खबर निकलकर सामने आ रही कि 2 से 2:30 बजे के करीब इस मामले पर सजा का ऐलान किया जाना है। जी चलिए, धन्यवाद आपका कामरान इस तमाम जानकारी के लिए। थोड़ी देर में इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बनाए रखिए। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव की सजा के बिंदुओं पर 23 मार्च को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले के दुमका कोषागार मामले में आज 6 दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कम सजा की अपील की है। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से ही सभी दोषियों की पेशी हुई। कोर्ट में अरुण सिंह,
अजीत कुमार, गोपीनाथ दास, विमल कुमार दास, के प्रसाद और मनोरंजन प्रसाद की सुनवाई पूरी हुई। वहीं लालू प्रसाद यादव की आज सुनवाई नहीं हो पाई। सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया है। वकील के मुताबिक सभी लोगों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में फैसले के बाद अब सजा का ऐलान बाकी है। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर बहस के लिए 21, 22 और 23 मार्च की तारीख तय की है। आपको बता दें कि लालू यादव समेत 19 दोषियों की सजा के बिंदुओं पर आज से बहस शुरू हुई है। जज शिवपाल सिंह की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा के बिंदुओं पर बहस हुई। मदन जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मदन, सुनवाई इस पूरे मामले में कुछ लोगों की हो चुकी है सजा के बिंदु पर, लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है कि अभी सजा का ऐलान नहीं होगा। क्या जानकारी है, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का वक्त है क्या कहता है सुनवाई के लिए? जी बिल्कुल, देखिए लालू यादव के मामले में जो है 23 तारीख को फैसला आने सजा सुनाई जाएगी। आज कुल 6 आरोपियों पर जो है सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी सुनवाई कल भी होगी और 23 तारीख को जो है सभी के सजा का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी जो कोर्ट की कार्रवाई थी वो उसमें यही देखा गया है, जो बचाव पक्ष के वकील थे वो दलील दे रहे थे, स्वास्थ्य का हवाला देकर के कम से कम सजा दिए जाने की अपील कर रहे थे। बिल्कुल मदन, अगर हम लालू यादव की बात करें, मेडिकल बोर्ड की बैठक के बाद यह तय किया गया था कि लालू यादव को बाहर इलाज के लिए भेजा जाएगा। क्या अभी साफ हो पाया है कि लालू यादव का इलाज कहां चलेगा, क्योंकि पहले एम्स की बात कही जा रही थी, क्या एम्स की बात पर मोहर लग गई है? देखिए, कल से ही लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो है रिम्स में लगातार मेडिकल बोर्ड की बैठक जारी थी। आज भी तकरीबन 1.5 घंटे जो है रिम्स में मेडिकल बोर्ड की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया, जो पुरानी बीमारी है लालू यादव की, अभी वर्तमान में जिस बीमारी के लिए लालू यादव को रिम्स लाया गया था वो फिलहाल ठीक हो चुका है और वो कुछ दवाई चलेगी कुछ दिन तक, लेकिन जो पुरानी बीमारी है, चाहे वो हार्ट से जुड़ा हुआ हो या फिर शुगर है या फिर किडनी में जो इन्फेक्शन आया है, उसको लेकर के रिम्स प्रबंधन ने बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजने का फैसला ले लिया है और वो जेल अधीक्षक को इसकी सूचना दे दी गई है। जब तक तैयारी पूरी नहीं होती है तब तक लालू यादव का इलाज जो है रिम्स में ही चलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए मदन। तो अभी फिलहाल लालू यादव का इलाज रिम्स में ही चलेगा, लेकिन हाँ, उन्हें आने वाले समय में इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा, यह जरूर साफ हो गया है। वहीं इस बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, लालू यादव को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा तो जा ही सकता है, रिम्स मेडिकल बोर्ड में यह फैसला लिया गया है। इससे पहले रिम्स में डॉक्टरों के पैनल ने लालू की तमाम जांच रिपोर्ट देखी और इसके बाद यह फैसला लिया गया कि रिम्स निदेशक ने कहा कि जेल अधीक्षक को बाहर भेजने की सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि लालू का इलाज अभी रिम्स में जारी रहेगा। लालू की तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन पुरानी बीमारी को लेकर बाहर भेजना जरूरी है। जेल अधीक्षक के द्वारा प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद लालू जी को बाहर भेजा जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तत्काल उन्हें इवेल्युएट किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको भेजा जाएगा। भेजने के लिए सूचना दे दी गई है कि वो उनको जाना चाहिए, अब जेल अधिकारी उस पर अपने कार्य। तो जेल अधिकारी इस मामले पर अब निर्णय लेंगे कि लालू यादव को कब इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा, लेकिन तब तक लालू यादव का इलाज रिम्स में ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि लालू यादव जिस बीमारी के चलते रिम्स में भर्ती हुए थे उससे उनको राहत जरूर है, लेकिन कुछ पुरानी बीमारियां भी हैं, मसलन हार्ट की बीमारी, किडनी और डायबिटीज से लालू यादव लगातार परेशान रहे हैं और इसी के चलते उनका इलाज अब बाहर कराया जाएगा। घाटशिला में फाइटर प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आज उसका मलबा निकाला गया, जमीन के भीतर से क्रैश लड़ाकू विमान का मलबा निकाला गया। तकरीबन 15 फीट गड्ढे को खोदने के बाद विमान का मलबा निकाला गया। एयरपोर्ट के
जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें कि बहरागोड़ा के माहुल डांगरी गांव के पास स्वर्णरेखा नदी में फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। एयरफोर्स और सीआरपीएफ के साथ झारखंड पुलिस के जवान भी मलबा निकालने में लगे हुए हैं। गिरिडीह नारायणपुर मोड़ के पास एक ऑटो बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जामताड़ा में 2 ट्रकों में आपस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन दोनों ट्रक के ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। हादसा जामताड़ा के नारायणपुर के जंगल के पास हुआ। पश्चिम सिंहभूम में एक मोटरसाइकिल के अर्धनिर्मित पुल से नीचे गिरने से उसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में कोचे हाईबुरू और दीपक सामंत शामिल हैं जबकि घायलों में डोने हाईबुरू और एक अन्य व्यक्ति शामिल है। सभी लोग चाईबासा के आर चालम और सराय केला के रहने वाले थे। पंडराशाली थाना क्षेत्र के चाईबासा भोया सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। सभी युवक भोया से कुंदरू जा रहे थे। इसी दौरान एक अर्धनिर्मित पुलिया से इनकी बाइक 10 फीट नीचे जा गिरी जिसमें 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आज 8:30 बजे रात्रि में एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के सवार थे और चारों लड़के भोया चालम से सोनरू जा रहे थे तो बादिया और भोया गांव के बीच में पुल बन रहा है उसी पुल में ये एक्सीडेंट कर गया जिसमें 2 का स्पॉट डेथ हो गया है। एक काफी इंजोर्ड है उसे अस्पताल लाया गया है और एक लड़का कहीं निकल गया है और उसका छानबीन किया जा रहा है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी उत्तरी पंचायत में स्थित डबल स्टोरी में धारदार हथियार से युवती की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान कल्पना कुमारी के रूप में हुई है। बोकारो थर्मल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। लड़की का शव उसी के घर के आंगन से बरामद हुआ है। हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग भी बताया जा रहा है। हालांकि अधिकारी इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जांच के बाद ही मामले का खुलासा होगा और पता चलेगा कि युवती का कातिल कौन है। इस लड़की का हत्या किया गया है क्योंकि धारदार हथियार से बहुत जगह इसके सिर पर निशान है, कटे का निशान है और ब्लडिंग भी है। ब्लड को भी मैं सिंपल के लिए जांच के लिए विधि विभाग प्रयोगशाला रांची से उसको जब्त करके रखा हूँ जी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बना दिया गया है और पोस्टमार्टम हेतु हम लोग भेज रहे हैं। पाकुड़ में पछुआरा कोल ब्लॉक कंपनी के मजदूरों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर मजदूर चेतना संगठन का धरना जारी है। आपको बता दें कि बकाया भुगतान की मांग को लेकर अमरापाड़ा प्रखंड के बरमसिया सदर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि कर्मचारियों, विस्थापितों और ट्रांसपोर्टर को छला जा रहा है। विस्थापितों को मुआवजे के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने बकाया राशि के भुगतान होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर आप शुगर या हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं और मीट का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि देवघर के बाजार में औषधीय गुणों से भरपूर मुर्गा मिलना शुरू हो गया है। जी हां, कड़कनाथ नाम की प्रजाति के इस मुर्गे में काफी औषधीय गुण हैं जो कई बीमारियों में फायदेमंद हैं और इनमें 0% कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य से देवघर के विलियम्स टाउन में राज्य का पहला औषधीय युक्त मुर्गी पोल्ट्री फार्म खोला गया है जो नाबार्ड के सहयोग से एक निजी संस्था संचालित कर रही है। यहां दिखाई दे रही मुर्गे की इस प्रजाति का नाम है कड़कनाथ जो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसका रंग, खून, मांस और हड्डियां काले रंग की होती हैं, साथ ही ये आसानी से पच जाता है और इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। इतना ही नहीं, इसके मांस में आयरन और प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है जिसके चलते डॉक्टर भी इसके सेवन की सलाह देते दिखाई दे रहे हैं।
इसकी खासियत है कि ये मेडिसिनल वैल्यू इसमें काफ़ी ज़्यादा है और इसमें एनीमिया की कमी हो या किसी भी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम होने पर इसका सेवन से उसका उपचार किया जाता है। नाबार्ड ने इस देवघर में पहली बार ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। देखिए इसके सबसे बड़ा खासियत है कि ये कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम में इसके खाने से किसी भी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं जीरो है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे की बाजार में काफी डिमांड होती है। यहाँ नाबार्ड ने कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गे, मुर्गी और अंडे से चूजे तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराए थे, जिससे 100 से भी ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। बहुत डिमांड है और इवन इसका मॉर्टेलिटी रेट बहुत मतलब बहुत ही कम है। जो भी हम लोग गांव में दिए हैं, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मार्च में एंड हो रहा है तो हम लोग हैचिंग कर रहे हैं। इस प्रजाति की मुर्गी साल में 100 से 110 अंडे देती है और औषधीय गुण होने के चलते इसके मांस की बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। ऐसे में कड़कनाथ न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इसमें मुख्य रूप से 23 मार्च को शहीद दिवस के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। वहीं निजी स्कूलों की मनमानी पर भी चर्चा हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस वसूलने के आरोप लगाए और इसके विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। निजी विद्यालयों के द्वारा मनमानी रूप से फीस वसूल किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों के ऊपर, यहाँ के अभिभावकों के ऊपर कई प्रकार का आर्थिक शोषण हो रहा है। ड्रेस दिया जा रहा है स्कूल से, जो केवल 500 से 600 का होगा, उससे 1100 1150 रुपया लिया जा रहा है। तो इस तरह से कई कॉपी में, टेक्स्ट बुक में, ड्रेस में, टाई में, हर तरह की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा फीस वसूल किया जा रहा है और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। झारखंड में अब एचआईवी से ग्रसित रोगियों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें वायरल लोड टेस्टिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही भारी रकम चुकानी पड़ेगी। इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा पहल की गई है और पीपीपी मोड पर वीएलटी जांच के लिए मुंबई की एजेंसी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करेगी और एचआईवी से ग्रसित रोगियों की निःशुल्क जाँच करेगी। झारखंड में पहली बार इस तरह की जांच शुरू की गई है और पूरे राज्य के सरकारी मेडिकल अस्पतालों में इसकी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। झारखंड एड्स नियंत्रण समिति के अधीनस्थ सभी 8 सेंटरों में ये सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। वायरल लोड टेस्टिंग मशीन में एचआईवी रोगियों की जांच के बाद उन्हें समय समय पर जरूरत के अनुसार दवाइयां बदलकर उपलब्ध करवाई जाएंगी। वायरल लोड टेस्टिंग करने का प्रत्येक रोगी को, लेकिन इसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी। अभी हम लोग वायरल लोड टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 12-13 है कंट्री में, वहां होता है कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स। आज से ये पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे ये प्रोग्राम मेट्रोपोलिस, एक संस्था है हेल्थ केयर बॉम्बे की, उनके साथ एमओयू करके नाको ने प्रारंभ किया। कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या को 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर झरिया कांग्रेस कार्यालय में नीरज सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान सभी ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस आज है। रांची में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रांची के पलाश ऑडिटोरियम में कैनवास पेंटिंग का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर पीसीसीएफ झारखंड संजय कुमार ने कहा, वन संरक्षण को लेकर वन विभाग गंभीर है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मनीष, वनों का प्रदेश है झारखंड और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस का विशेष महत्व भी है झारखंड के लिए। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी चाहेंगे आपसे।
बिल्कुल अनामिका, अगर हम कहें कि आज के अगर दिन की बात करें तो ये काफी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डे है, और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के तरफ से ये आज विश्व वानिकी दिवस को घोषित किया गया है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और जहां तक रही बात झारखंड की, तो रांची में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे विश्व वानिकी दिवस को लेकर के जो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम जो स्कूली बच्चे हैं, इसके अलावा और भी जो स्टूडेंट्स हैं, वो पेंटिंग्स करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कैनवास पेंटिंग हो रही है, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं वो वॉल पेंटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो ये दिन है वो किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि आज के दिन में चाहे हम बड़े शहरों की बात करें या छोटे शहरों की बात करें, लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। शहरों में हरियाली एक इंपॉर्टेंट इशू है, और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से विश्व वानिकी दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है झारखंड के पीसीसीएफ संजय कुमार, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। संजय जी, आज का जो ये दिन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार शिकायतें आती हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं पॉल्यूशन के कारण, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, और पर्यावरण को बचाने के लिए आज आप लोगों को कई तरह के ऑक्सीजन पार्क तक बनाने पड़ रहे हैं। ऐसे में आज का ये दिन कितना खास है? आज का दिन बहुत खास है। मैं ये कहूंगा कि आज का दिन जो है पूरे मानव जाति के लिए बहुत खास है, क्योंकि वन जो है वह उन्हीं के माध्यम से हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे, यह निश्चित है। न केवल पर्यावरण का जो मुख्य अंग है वायुमंडल, जिसमें कि हमारे ऑक्सीजन गैस की अधिकता और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसके चलते हमारा तापमान बढ़ रहा है उसकी कमी, बिल्कुल मनीष, कुल मिलाकर वनों को बचाने के लिए और झारखंड की जो पहचान है उसे बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस झारखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे